बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कमर, सीनियर डॉक्टर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक इट्स नॉट फेयर कि शफकत अमानत अली का नाम लेके आप मुझे स्टेज पर बुलाएं। बेहतर ये होता कि शफकत अमानत अली को लोग इन्जॉय करते और मैं भी थोड़ा उसको इन्जॉय कर लेता। डॉक्टर साहब, आई एम अ फ्रेंड ऑफ NICVD because I feel and I very strongly feel that NICVD is a friend of ours. And when I say ours, I don't mean the government of Sindh, I don't mean myself, I mean the people of this country. I have seen the rise of this institution over the last 10 years. I've seen the hard work that has been put in by the team of NICVD for doing a fantastic job. And I feel जिस तरीके से आप लोग सारे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, जिस तरीके से ऑल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी इज ट्रीटेड इन ए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर एट योर हॉस्पिटल, आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू योर टीम, हैट्स ऑफ टू एवरी सिंगल पर्सन, हैट्स ऑफ टू एवरी सिंगल पर्सन हु हैज ओवर द ईयर्स contributed to the cause of NICVD, who has worked with NICVD. मैं NICVD की बात इसलिए करता हूँ कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम हमेशा नेगेटिविटी की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स दिस नेगेटिविटी हैज सन्क इन टू अस। हम पाकिस्तान के बारे में कभी कोई अच्छी बात करते हुए घबराते हैं, कतराते हैं, सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। मैं NICVD की सिचुएशन देखता हूँ और मैं कहता हूँ दिस इज़ अ बेंचमार्क फॉर द इंटायर नेशन, कि हम दुनिया भर के सामने मिसाल दे सकते हैं कि व्हेन द विल इज़ देयर, व्हेन द राइट टीम इज़ देयर, इम्पॉसिबल थिंग्स कैन हैपन एंड इट इज़ नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर अस टू अचीव सच इम्पॉसिबल थिंग्स। तो मैं समझता हूँ कि NICVD हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है कि कहीं ना कहीं हम उस पॉजिटिविटी को वापस अपनी सोसाइटी में ला सकें, लोगों को बता सकें कि किस तरह का अच्छा काम हमारे शहर में हो रहा है, हमारे सूबे में हो रहा है, हमारे मुल्क में हो रहा है और हमारे लोग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया भर से ट्रेनिंग लेके वापस पाकिस्तान आते हैं, शहर में आ रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और जो सबसे अमेजिंग चीज़ NICVD ने की है वो सैटेलाइट सेंटर्स, ये कॉन्सेप्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट विद रिगार्ड्स टू हेल्थ फैसिलिटीज़, बट मेरे ख्याल में दुनिया भर में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता कि आपको सैटेलाइट सेंटर्स जगह जगह इस्टेब्लिश कर दिए जाएं। आज से कोई 10-11 साल पहले पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हैड टू ट्रैवल टू कराची, रफीक शहीदी रोड आते थे और NICVD पे इलाज कराते थे। ये विजन था NICVD की मैनेजमेंट का, ये सपोर्ट थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, कि वो NICVD रफीक शहीदी रोड से निकला, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, खैरपुर, सेवन, मिट्टी, नवाबशाह, लाड़काना, सखर, हर जगह पहुंचा और अब इन तमाम जगहों पे वहाँ पे लोकल लोगों को आसानी होती है इलाज कराने में। कराची के गालिबन 11 या 12 ऐसी लोकेशन हैं जहाँ पर आपके चेस्ट पेन यूनिट्स हैं जो कि लोगों को इमीडिएट कार्डियक केयर दे पाते हैं, बिकॉज कार्डियक केयर में मिनट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड आप उस सर्विस डिलीवरी के साथ साबित करते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है कि सिर्फ सूबाई सिंध के लोग नहीं, सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं और NICVD में मुफ्त इलाज कराते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है और मैं चैम्पियन करता हूँ इस कॉज को। मैं बार बार मीडिया में कहता हूँ कि NICVD इज़ एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर सिर्फ सिंध से या पाकिस्तान से नहीं, अब दुनिया के और ममालिक से लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। दैट शोज दैट द कॉन्फिडेंस दैट द पीपल हैव विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ NICVD। और मैं समझता हूँ ये जो ब्रांड नेम NICVD का हमने इस्टेब्लिश कर लिया है, इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो इंशाल्लाह सूबाई सिंध के बाहर भी मैं समझता हूँ NICVD के सेंटर्स इस्टेब्लिश होने चाहिए, ताकि लोगों को मुल्तान से, डेरा गाजी खान से, क्वेटा से कराची सखर नहीं आना पड़े, उनके अपने अजला के अंदर इस तरह के ज़बरदस्त इदारे हों ताकि उनको वो क्वालिटी कार्डियक केयर एट देयर डोर स्टेप्स मिल सके।